पानी पानी हुआ जिला सचिवालय, अधिकारियों को नहीं जल भराव की सूध, पानी में पनप रही बीमारियां। ये जल भराव की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये झज्जर के जिला सचिवालय की है, उसी जिला सचिवालय की जहां उपायुक्त समेत जिले के तमाम आला अधिकारी बैठते हैं। वो अधिकारी जो जिले भर में जल भराव की स्थिति का जायजा लेने भी जाते रहते हैं, लेकिन इन अधिकारियों को अपने ही जिला सचिवालय की खबर नहीं। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, तस्वीरें अपने आप में ही सब कुछ बयां कर रही है। पानी से लबालब ये मंजर है जिला सचिवालय की पार्किंग का, जिसके सामने से रोज अधिकारियों की गाड़ियां न जाने कितनी बार गुजरती होंगी, लेकिन अधिकारियों ने इसकी तरफ देखने की जहमत भी नहीं उठाई। अगर देखा होता तो पानी निकासी को लेकर कुछ इंतजाम जरूर किए गए होते। ये हालात तब है जब जिले में बारिश को हुए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन पानी अभी भी वैसा का वैसा ही खड़ा है। हम इस समय झज्जर के लघु सचिवालय में खड़े हैं। पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि ये झज्जर लघु सचिवालय है, जहां पर उपायुक्त हो या सभी आला अधिकारी हो, एसपी हो, डीसी हो, एसडीएम हो, एडीसी हो, सभी यहां पर अधिकारी बैठते हैं। 2 दिन पहले यहां झज्जर में बारिश हुई थी, येलो जोन से रेड जोन घोषित कर दिया गया था और उपायुक्त महोदय ने पूरे शहर का दौरा किया था। ऐसा उन लोगों ने किया भी था और हम लोगों ने कवरेज भी दिखाई थी। मैं आपको एक नज़ारा इसलिए दिखाना चाहता हूं, ये झज्जर लघु सचिवालय का मेन गेट है और यहां पर ये पार्किंग है। 2 दिन बरसात को ख़त्म हुए हो चुके हैं और उसके बावजूद भी यहां पर पानी बदस्तूर भरा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि पूरे शहर का उपायुक्त महोदय दौरा करके आ चुके हैं, लेकिन साहब अपने ही कार्यालय के मेन गेट पर ये जल भराव आखिर में झज्जर जिला प्रशासन को बिल्कुल नहीं दिखाई देता। एक तरफ तो पार्किंग में पानी भरा हुआ है, वाहन खड़े करने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो दूसरी तरफ सड़क की हालत भी कुछ ठीक नहीं। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जो यहाँ काम के सिलसिले से आते हैं, क्योंकि पार्किंग पानी से फुल है, रोड पर गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, तो ऐसे में करें तो क्या करें। जहाँ अगर कोई कार्यालय में कोई काम कराने आएगा तो जाहिर सी बात है अपनी गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, वो इस या पार्किंग में खड़ा करेगा, तो आप समझ सकते हैं। और कूड़े का अंबर, ये रोड पूरा टूटा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस रोड पर उसने व्हीकल खड़े कर दिए तो यहाँ पुलिस कर्मचारी खड़े होते हैं, वो साहब कह देते हैं साहब अपनी मर्जी से कहीं भी गाड़ी खड़ी करो और यहाँ पर आपको गाड़ी खड़ी करने की अनुमति नहीं है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, यहाँ पर गाड़ी खड़ी नहीं करने देंगे। एक तरफ तो जिला सचिवालय में आने वालों को परेशानी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उन दुकानदारों को भी जल भराव की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है जो यहाँ स्टाम्प बेचने का काम करते हैं। उनके खोखों में पानी भर चुका है, मच्छर पनप रहे हैं, जो आवारा पशु हैं वो गंदगी मचा रहे हैं, कई तरह की बीमारियां पैदा होने का खतरा बना हुआ है, तो वहीं जल भराव के चलते ग्राहक नहीं आ रहे, जिससे दुकानदारी में भी काफी असर पड़ रहा है। पानी का हाल, इसमें इतने मच्छर पनप रहे हैं, ग्राहक जो हमारे कस्टमर आते हैं उनकी गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है और खोखों का इतना बुरा हाल है, पशु आवारा इतने घूम रहे हैं, सारा खोखों में बुरा हाल मचा के जाते हैं, अंदर बैठने की जगह नहीं होती। अधिकारी तो यहाँ से रोज आते जाते हैं, हाँ। उनको दिखाई नहीं देता क्या? रोजगार पर कितना असर पड़ा है? बिल्कुल ठप है कि यहाँ पर पानी भरा है और डंगर इतने आते हैं, गोबर वगैरह करते हैं और गोबर करने की वजह यहाँ बैठने लायक जगह नहीं है, लिखा पड़िया काम। तो मेरे हिसाब से 2 से 3 दिन हो गए, तो काम तो ठप पड़ा है। ये तो ठप पड़ा है, इससे पहले भी कई बार डीसी को दे चुके एप्लीकेशन कि इसकी पैमाइश करा दी है, अब बनेगा, फलाना होएगा, डेकड़ा होएगा। अब ऐसे एक कुआ बनवा कर रख दिया इन्होंने, बोरिंग करा के, इसकी दवाई हुई नहीं, अब ये पानी सारा यही चूस जाएगा, नीचे पानी जाएगा, लेवल बढ़े। तो वही जब विकास नाम के स्टाम्प विक्रेता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कई बार अधिकारियों को परेशानी से रूबरू करा चुके हैं, लेकिन बोलने के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा, अभी भी समस्या जस की तस बनी हुई है। पानी का बहुत बुरा हाल होता है, परसों बारिश आई थी, वहाँ हमारे खोखों के नीचे तक पानी चला गया था, पैरों में बहुत बुरा हाल था, गंदगी इतनी हो गई थी कि आगे बैठना मुश्किल हो गया था। यहाँ आवारा पशु इतने आते हैं, गोबर करके चले जाते हैं, बड़ी मुश्किलों से साफ करते हैं, हर सबूत के तौर पर आपको दिखा भी सकते हैं। अधिकारियों से कई बार बात की है, मुख्यालय पैमाइश करवा के इसको ठीक करवाएंगे, पर कोई सुनवाई नहीं करता। कल परसों भी अधिकारी आए थे, उनको भी कही थी अपने बात, पर उन्होंने जी करवाएंगे, पर किसी को कुछ। जिन अधिकारियों के कंधों पर जिले की जिम्मेदारी है, उन अधिकारियों के कार्यालय ही बदहाली में है, तो समझा जा सकता है कि ये अधिकारी कितनी शिद्दत से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते होंगे।
जिला सचिवालय में ही दो दिनों से पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की गई, तो जिले के दूसरे इलाकों में पानी खड़ा रहना आम बात है। और जब लापरवाही की बात आ ही रही है तो जरा जिला सचिवालय के बाहर का नजारा भी आपको दिखा देते हैं, जहां गेट के बाहर बैरिकेडिंग की गई है ताकि एक बार में एक ही गाड़ी जिला सचिवालय में आ सके। ऐसे में सड़क पर भारी जाम की स्थिति बनी रहती है, जबकि जिस काम के लिए बैरिकेडिंग की गई थी वो काम भी पूरा हो चुका है। बावजूद इसके अभी तक बैरिकेडिंग नहीं हटाई गई। अब ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि जिला सचिवालय में कितनी लापरवाहियां बरती जा रही है। देखते हैं कि मच्छर हैं, मक्खी हैं, होंगे और उसके बाद में बीमारी। पहले ही कोरोना की महामारी यहाँ पर चल रही है, उसके बावजूद भी ये प्रशासन है कि पूरी तरह से जागरूक नजर नहीं आ रहा है, तो इस ओर ध्यान देना चाहिए। लगातार हरियाणा न्यूज इस तरह की जो कमियां हैं प्रशासन की हो शासन की, वो लगातार बताता रहा है और लगातार उन लोगों को जगाने का काम भी कर रहा है। जैसे ही दो दिन पहले, तीन दिन पहले जब बारिश हुई थी तो हमने पुराना बीकानेर चौक से कवरेज की थी, क्योंकि वहां पर दो गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल थे, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल और बॉयज स्कूल थे। वहां पर बच्चे तीन तीन फीट पानी से निकलकर अपने वहां जा रहे थे। अगर समय रहते वहां नालों की सफाई कर ली जाती तो ये भयंकर स्थिति नहीं होती। और वही काम मैं आपको बता रहा हूं, कल हमने स्टेडियम की खबर दिखाई, उसके बाद यहां पर ये जल भराव की समस्या बदस्तूर जारी है। इस ओर प्रशासनिक अधिकारी को ध्यान देना चाहिए, यहां से पानी निकासी के बंदोबस्त करने चाहिए। हरियाणा न्यूज के लिए रमा मित्तल की रिपोर्ट।